बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बनाएंगे मिस्सी रोटी। शायद आपने खाई हो पहले या ना खाई हो, बहुत ही मज़े की होती है और ये बनती है तंदूर के अंदर। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर रहे हैं मिस्सी रोटी का। यहाँ पे ना ये सब्ज़ धनिया जो होता है ना, उसके बीज हमने शामिल किए हैं। ये अभी सब्ज़ बीज ही हैं। और साथ ये अपनी घर की जो हमारी मिर्च है ना रेड, ये हमने शामिल की है थोड़ी सब्ज़ मिर्च, और रेड जो है ना वो एक आधी और हम शामिल कर लेते हैं। ये देखें, साथ नमक थोड़ा डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट जो है ना वो तैयार करना है। मिस्सी रोटी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है गंदम का आटा, और साथ इसमें जो साबत माँ होते हैं ना माश, उनका आटा, और साथ इसमें थोड़ा बेसन जाएगा। ये चीज़ें जो हैं कम ज़्यादा की जा सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि जिस आटे का फ्लेवर आप ज़्यादा चाहते हैं उसको आप बढ़ा लें। तो वैसे गंदम का ज़्यादा ही डलेगा, तो इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़ी अजवाइन, थोड़ा ज़ीरा है, इसको हम मसल के शामिल करेंगे। थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च, गरम मसाला थोड़ा, थोड़ी सी हल्दी, ये ऑप्शनल है लेकिन हम थोड़ी सी ऐड करेंगे, थोड़ी सी रेड मिर्च। अभी ये होगा अच्छी तरह मिक्स। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जो है वो हम पहले ही शामिल कर चुके हैं जो मिर्चों के अंदर हमने शामिल किया था। लास्ट में हम इसमें सब्ज़ धनिया के पत्ते जो है ना कटे हुए, वो थोड़े शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आटा जो है ना इसको अच्छी तरह गूंदेंगे, एक अच्छी सी डो इसकी हम तैयार करेंगे। डो जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली जो है वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सख्त ही हम रखेंगे डो को। अल्हम्दुलिल्लाह, आटा जो है वो गूंद दिया गया है। अभी इसको हम रेस्ट देंगे और हम चलेंगे अपने तंदूर की तरफ। तंदूर में जलाएंगे आग, धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो देसी टोटका धूप से बचने के लिए। वैसे भी हम ज़िम्मेदार लोग हैं तो ये हमारी पहचान है। तो अभी हम जलाएंगे तंदूर में आग, गर्मी बहुत ज़्यादा। ये जिस दिन से तंदूर हमने बनाया हुआ है ना, आज पहले दिन हम रोटियां लगा रहे हैं। हम बिज़ी हो गए और यहाँ पे बोर करवाना शुरू कर दिया, एक दो काम था जिस वजह से तंदूर में कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ इसको बनाया था और इसमें आग जलाई थी। आज रोटियां इंशाल्लाह बनाएंगे ना। ले जी, अभी अपने ओवन में अच्छी खासी आग जलाएंगे, फुल इसको गर्म करेंगे।
ले जी, उधर अपना ओवन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया। यहाँ पे हम गद्दी बनाएंगे जिसके ऊपर हमने रोटियाँ लगानी है। एक कपड़ा है उसके अंदर हमने लगाया है ये भूसा जो होता है ना गंदम का, वो डाला। यहाँ पे लगाएंगे गंड और एक गंड लगाएंगे यहाँ पे। और जी अब है इसकी बारी, ये गंड लग गई और उसके बाद लग गई ये गंड। यहाँ पे अपनी रोटी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी रोटी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ना ही बेलना है ना ही चकला है, और ये हाथ की मदद से ही हमने काम चलाना है। तो अभी जी लगाएंगे तंदूर के अंदर। काफ़ी देर बाद तंदूर के अंदर रोटियाँ लगा रहा हूँ, तो इसलिए हाथ जो है ना उसको मैंने अच्छी तरह कपड़े से ढांप लिया क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोटी लगा दी गई है। अब देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट है। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, लगी है नहीं रोटियां? माशाल्लाह लगी है, लगी है। आप एक विच लगा दी जी, मैं पहले पाकी है। माशाल्लाह जी तंदूर ते रेडी है। हां जी कडियो वाली? हां जी हां जी, कडो कडो। पोने ना आराम ना आराम ना, गरम बड़ा जे है, एहतियात से। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। थोड़ा सा ना पानी लगाएंगे, पानी से ये होता है कि चिपक अच्छी तरीके से जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है वो गोल हो जाती हैं, कुछ जो है वो गोल नहीं होती। तो आम रूटीन में बंदा लगाता रहे तो फिर प्रैक्सल हो जाती है। लें जी अब हम लगाएंगे इसको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी अभी यहाँ पे गर्मा गर्म मक्खन से इसको हम चोपड़ेंगे। तुम्हें भी एक लगाओ, देखने हैं कौन गोल बनाता ज़्यादा। चलो जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद लग गई है? हाँ जी। देखते हैं भाई गोल रोटी कौन बनाता है, मुकल्लफ भाई की गोल होगी या मेरी। मुझसे एक गोल बन गई है पहले जो मैंने लगाई है, एक आधी जो है वो गोल नहीं हुई। अब ये देखते हैं ये क्या सिचुएशन होती है। अच्छा चांडी भी देती है मुकल्लफ साहब उन्होंने। गोल तो नहीं बनी, साइड साइड से टूट गई, लेकिन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार तो जरूर होगी। बिस्मिल्लाह ये मैंने लगा, लेकिन मुकल्लफ भाई इंशाल्लाह आपकी रोटी मोटी है अभी तक इसको। नहीं नहीं वो पतली तो हो जाएगी, वो तो इशू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है गोल होगी। आप गोल कर गए माशाल्लाह, लेकिन एक्सपीरियंस मैन थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं। अब ये देखे माशाल्लाह इसी ये सेंटर से फट गई है। नहीं नहीं बेहतर है, मेरे से बेहतर है। लेकिन ये देखे ये गोल है जी बिल्कुल। अब थोड़ा मतलब भाई पानी लगा के लाओ। ठीक है एक लगा दी है, दूसरी तैयार कर रहे हैं। थोड़ा वीरा देखो या तू ही लगाओगे? मैं लाऊं? लगाओ लगाओ लगाओ। गरम बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी जल्दी आ जावे जिन तंदूर दी रोटियां खानियां ने, गर्मी दे विच तंदूर दी रोटियां खाने वाले जल्दी जल्दी आ जावे। पहले ये था कि दोपहर को एक तंदूर होता था पूरे मोहल्ले का, और पूरे मोहल्ले की औरतें उस पर रोटियां लगाती थी, और फिर सुबहान अल्लाह साथ लस्सी साथ सालन कमाल ही हो जाता था। तो अभी हमारा सामान जो है ना वो भी आ गया,
अस्सलाम वालेकुम मौजम भाई, बर्फ दही मक्खन सब कुछ। मौजम भाई एक रोटी तुही लानी है, देखो हूँ अं तैसर दाइया जहा वेखो, ये देखो मौजम भाई कुछ गोल हो कुछ नहीं हो। अच्छा ज्यादा सेक लग गया? नहीं यार कड़क बनाई ने थोड़ी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी ये आ गया ऊपर मक्खन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौजम भाई ने जनाब पूरी गोल लगाई है। ले जी अभी बनेगी लस्सी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले जाएगा अपना दही, हम मीठी बना रहे हैं तो चीनी जाएगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साथ हमने थोड़ा सा रायता बनाया, रायते में सिर्फ एक रेड मिर्च एक सब्ज मिर्च और दो तीन पत्ते पुदीने के डालेंगे बस।